गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। खाद की कालाबाजारी पर डीएम हुए सख्त, जिले के 10 साधन सहकारी समितियों पर दर्ज हुआ FIR। डीएम ने कहा बिना आधार कार्ड के खाद की खरीद और बिक्री रहेगी प्रतिबंधित। शिवपुर सुकरौली गांव में हुए अधिवक्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंकी पांडे को उसके पिता के साथ गगहा थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा किया बरामद, भेजा जेल। SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने किया खुलासा। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई MYC CMO अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारियों की बैठक, कोरोना की टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के दिए निर्देश। नाबालिग छात्रा द्वारा स्कूल प्रबंधक पर दुष्कर्म के लगाए गए आरोप के मामले में आरोपी प्रबंधक हरेंद्र यादव को गोला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार, भेजा जेल। SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई उद्योग बंधु की मंडली समीक्षा बैठक, उद्यमियों के समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। COVID-19 कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह और पार्षदों के साथ की बैठक, वैश्विक महामारी से निपटने में सहयोग का किया अनुरोध। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान भी खाद और बीज की दुकानों को खुलने की जिलाधिकारी ने दी अनुमति, कहा किसानों की फसलों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है निर्णय। शुक्रवार को गोरखपुर में 162 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज, 3 की हुई मौत, जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 8,434। अब तक 128 कोरोना पॉजिटिव मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 2,719 हुए एक्टिव कोरोना मरीज, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। बड़हलगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित टॉप 10 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। और महानगर में अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम के तहत विभिन्न चौराहों पर तीसरी आंख से की जा रही है निगरानी, SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला ने कहा अब जाम की समस्या से मिलेगी लोगों को निजात।